दौलत तो जागीर जिसके पास होती है उसके अपने सगे खून भी दुश्मन बन जाते हैं और उसको तरह तरह की अजियत देकर या मुख्तलिफ बीमारी डालकर उस सारी जायदाद हड़प करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी है आज जागीर के नाम से कि वो शख्स इंतहाई शरीफ उन नफ्स लोगों की मदद करने वाला लेकिन जायदाद अल्लाह ताला ने उसे बहुत दी, दौलत उसे बहुत दी, इसी तरह इज्जत भी बहुत दी। अचानक एक जिंदगी में उसके एक लड़की दाखिल होती है, उससे वो शादी कर लेता है। शादी के बाद उस औरत ने अपने मोहब्बत में जान बचाकर उसको सारी दौलत लूटना चाहिए और उसको नशे का आदि बना दिया। वो इतना नशे का आदि बना दिया कि वह हर वक्त नशे में रहता, उसके अलावा उसको कुछ नहीं सूझता। तो बताइए क्या वो नशे की हालत में अपनी जान खो बैठा? क्या नशे की हालत से वो निकलकर अपनी जायदाद वसूल कर सका? क्या वो अपनी जागीर बचा सका? ये सब देखने के लिए आप देखेंगे हमारी नई फिल्म जागीर। क्या बात है, पीने की, पीने में बहुत मजा आता है और ये बोतल खत्म हो गई। खत्म हो गई बोतल, बस क्या करूं मैं, अच्छी लगती है बहुत। मुझे पीने का शौक रही है, पीता हूं मैं भुलाने को। सर, सर, सर आपको क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया है, क्या करके रखा हुआ है इस बॉस? बॉस आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या हो गया आपको? कहाँ गए मेरी बोतल? बोतल का मेरे सीने में आग लग रही है, मैं कुछ शराब चाहिए, कुछ पीना है, मुझे पीना है, कहाँ से लाऊं बोतल? सर आप सही हो, मैडम क्यों आई, मुझे कमरे की सफाई करनी है, सर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कौन हो तुम? मैडम ने मुझे भेजा है। यहाँ क्यों आई? सफाई करने के लिए सर। किसने बुलाया है तुमको? क्या काम है तुमको, क्या लेने आई हो, क्या चाहिए? वाइफ ने भेजा है मुझे सफाई करने के लिए। तो नहीं, क्यों आई हो, क्या चाहती हो, बताओ मुझे, क्या काम है? नौकरानी हूँ, काम करने के लिए। बोलो। आपको बन क्या हुआ है? परेशान भी हो, मैं कित नशे में रहता हूँ, ये लोग मुझे क्यों देते हैं गोलियां नशे की और शराब की? बस मुझे लाके देते हैं, मैं पी लेता हूँ।
खा लेता। क्या गरज इनको, क्यों मुझे नशे में रखते? पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं, तो क्यों ये मेरे साथ हो रहा है? अब मुझे अच्छा भी लगता है ये नशा। ठीक है, मैं कुछ काम करो जाके। बस मैं सोने चाह रहा है, और जब कोई मुझे ला कर देगा तो मैं शराब पी लूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, कोऑपरेटिव हो, समझती हो बात। बस तुम्हारी यही बात है मुझे अच्छी लगती है। मेरा एहसास करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं कहीं जा सकता ना आ सकता हूँ। मेरा ऑफिस, मेरा कारोबार, मेरी जायदाद बहुत है, बहुत उनको भी देखना है मुझे, लेकिन बहुत दिनों से भी तक नहीं है, सुकून नहीं है मुझको। बस नशा, नशे में रहता हूँ मैं। कभी कभी उलझता हूँ तो कभी हंसता हूँ मैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, कौन कर रहा है मेरे साथ जुल्म। मुझे नशे का आदि क्यों बना दिया है लोगों ने? क्या गरज है उनको मुझसे? क्या चाहते हैं? मेरा हाल बुरा कर दिया है, समझ में नहीं आता है। मेरा बदन भी टूटता है अगर मैं कुछ उठता हूँ तो। बस दिल यही चाहता है कि नशे में पड़ा रहूं, लेकिन पहले मैं नहीं था ऐसा। इन लोगों ने मुझे धीरे धीरे इस तरफ फेंक दिया है। अब मुझे ये नशा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे फिक्र बहुत फिक्र है। मेरी जायदाद, मेरा काम, मेरा बिजनेस सारा रुल रहा है। मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ दो, मुझे समझाती हो, बताती रहो कि यहाँ क्या हो रहा है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं नशे से हट जाऊँ। लेकिन जब मैं नशा नहीं करता तो मेरा बदन टूटता है, बड़ा बेबस हो गया हूँ, बहुत बेबस हो गया हूँ। आदत नहीं थी मुझे, आदत पता नहीं कैसे आ गई। लोग क्या चाहते हैं, ये लोग कौन है, ये कैसे है, ये समझ नहीं आता। मेरे अपने क्यों कर रहे हैं ऐसा? इन्होंने आज मुझे नशे का आदि बना दिया है, लेकिन मुझे अपने काम की, जायदाद की भी तो फिक्र है। सब कुछ करना है मुझे, ये लोग मुझे क्या करना चाहते हैं? देखो तुम चारों तरफ देख कर मुझे बताओ कि कौन कर रहा है ये और क्यों कर रहा है, ताकि और मुझे कोशिश करो कि मैं ये नशे से दूर होता चला जाऊं। मुझे बहुत कुछ करना है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, और मेरी बातें किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना ये क्यों हो रहा है, कुछ नहीं बताना। जो भी बातें मैं तुमसे करूं
तुम किसी को नहीं बताना, बस कोशिश करना कि मैं ये नशा खत्म कर दूं, इस आदत को खत्म हो जाएगी, ताकि मैं अपने होश में आकर सबको देखूं, सब लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया। तुम जैसे लोग चुप चुपे बैठे हो, तुमने मेरी जिंदगी दबा कर दी है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, तुम लोगों को मार के मरूंगा। तुमने मेरे बदन को तोड़ दिया है नशे, ये ठीक है कि मुझे नशे का आदि बना दिया है तुमने, और मुझे नशा। अच्छा, परेशान है? हाँ यार, आज मैंने ऐसे मजलूम आदमी को देखा जो आजाद होते ही नहीं कैद में, वो कैसे? मुझे बड़ा तरस आया उस आदमी को। मुझे लड़की है, उसकी मुझे हमदर्द लगती है, इस तरह वो उसके पास थी। कौन लड़की? ये तो वही लड़की है। नहीं नहीं कुछ नहीं, देख लिया मैंने। हाँ यार, बस अफसोस ही होता है इसमें, क्या किया जाए। पापा मैं आता हूँ। चले फिर मैं आता हूँ। ठीक है।